मेक्सिको की खाड़ी में वैज्ञानिकों को हाल ही में एक बेहद दुर्लभ जीव दिखाई दिया है। यह एक समुद्री स्क्विड है, लेकिन इससे पहले ऐसा समुद्री जीव नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों ने इसे एलियन स्क्विड नाम दिया है। इसके पंख बेहद खूबसूरत और पारदर्शी हैं। जापान दुनिया में एक ऐसा देश है जो तकनीकी के मामले में अग्रणी माना जाता है। संसाधनों के लिहाज से काफी प्रगति कर चुके जापान में एक समस्या ये है कि यहाँ गाँव के गाँव वीरान हो चुके हैं। देश में बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से गांवों में लोग कम होते जा रहे हैं। लाल सागर में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की नौसेना ने कुछ दिनों पहले अमेरिकी युद्धपोत के साथ संयुक्त सुरक्षा अभियानों का पूर्व अभ्यास किया था। इससे ठीक एक महीने पहले इजराइल के बंदरगाह शहर इलियट के उत्तर में एक रेगिस्तानी हवाई अड्डे पर वॉर गेम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास को आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। मुलायम सिंह ने यह बात उस समय कही जब वे लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में एक किताब की लॉन्चिंग कार्यक्रम में मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव ने कुमार विश्वास को पार्टी में शामिल कराने की इच्छा वरिष्ठ कवि उदय प्रताप से कही। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंस युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय नौसेना को INS विशाखापट्टनम सौंपा था और अब नेवी को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन INS वेला मिलने वाली है, जो 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कमलनाथ ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वहीं कमलनाथ ने BJP पर भी आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि महिलाओं को गुमराह करना आसान है और BJP ऐसा कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार मंथन करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गोवा दौरे के दौरान नड्डा प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद की मुहिम के तहत डॉक्टरों के एक सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि ये सेलिब्रिटी कपल इसी साल दिसंबर में 7 फेरे ले सकता है। लंबे वक्त से दोनों स्टार्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन खुलकर कभी भी दोनों ने इश्क का इजहार नहीं किया है। अब हाल ही में एक्टर आयुष्मान खुराना ने दोनों के रिश्तों पर मुहर लगाते नजर आए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल सुबह 9:30 बजे से कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच से पहले सेलेक्टर्स का एक अजीब फैसला देखने को मिला है। दरअसल ओपनर KL राहुल जैसे ही चोटिल होकर पहले टेस्ट से बाहर हुए तो BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने तुरंत सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। वहीं श्रेयस अय्यर पहले से ही टेस्ट टीम में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में 3,61,000 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्र सरकार PM आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर बनवा देती है। इस योजना में उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।